झरिया के कतरास मोड़ स्थित सिंह मेंसन कार्यालय में सोमवार 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी झरिया विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती मनाई गई। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह एवं अन्य भाजपा नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया, जिसके बाद भाजपा नेत्री रागिनी सिंह एवं भाजपा धनबाद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने बताया कि आगामी 27 सितंबर को झरिया भगत डी के समीप प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी का पहली बार आगमन हो रहा है, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने बन रहा है। 27 सितंबर को जनता का जनसैलाब देखने को मिलेगा, क्योंकि झरिया की जनता झारखंड की भ्रष्ट सरकार से उब चुकी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में झरिया समेत झारखंड में विकास कोसों दूर है और अपराध अपने चरम सीमा पर है। जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य आदरणीय श्रीमती रागिनी सिंह जी के पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का धनबाद जिला महानगर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रागिनी जी, आप सबों से कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में वार्ता करेंगी, उसके पूर्व मैं थोड़ी सी जानकारी आप सबों को दे देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी की जैसे ही घोषणा हुई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कुछ दिनों के बाद पार्टी ने यह निर्णय लिया कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी झारखंड प्रांत के सभी विधानसभा में संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रवास करेंगे और पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर जनमानस के बीच में जनसभाओं के माध्यम से जाएंगे और इस यात्रा का नाम संकल्प यात्रा रखा गया। संकल्प इस बात का कि झारखंड में आदरणीय हेमंत सोरेन जी की कांग्रेस समर्थित जो सरकार चल रही है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बल्कि झारखंड की एक सजग जनता के रूप में भी यह मानना है कि यह सरकार पूरी तरह से हर मामले में फेल है, विफल है। यह सरकार विकास विरोधी है, यह सरकार भ्रष्टाचार का पोषण करने वाली सरकार है, यह सरकार खनिज संपदाओं की लूट मचाने वाली सरकार है और इस सरकार ने जिस प्रकार से जनता के साथ छल करने का काम किया है, इस सरकार ने जिस प्रकार से अपने चुनावी वादे को जिस प्रकार से ठगने का काम इस क्षेत्र की जनता को, इस प्रांत की जनता को किया है, इसका भंडाफोड़ करना आवश्यक है। साथ ही साथ झारखंड प्रांत की जनता के साथ मिलकर इस सरकार को सत्ता से मुक्त करने का, इस सरकार से जनता को राहत देने का संकल्प हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है। 5 चरण का उनका यह संकल्प यात्रा आज अंतिम दौर में है और धनबाद जिले में कल उनका पदार्पण हो रहा है और कल वे निरसा में और सिंदरी में, दो विधानसभाओं में
संकल्प यात्रा का शंखनाद करेंगे। समय भी बता दीजिए। मैं केवल झरिया धनबाद के बारे में आपको बताऊं। परसों यानी 27 तारीख को वह सवेरे गोविंदपुर में जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे वहां से निकलेंगे, धनबाद होते हुए धनबाद के विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और लगभग 12 बजे झरिया विधानसभा के सीमा पर धनसार और बस्ताकोला के बीच में झरिया विधानसभा के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे और स्वागत के बाद जुलूस के शक्ल में उन्हें लेकर आरएसपी कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। लगभग 1 बजे वे जनसभा को संबोधित करेंगे झरिया विधानसभा में संकल्प यात्रा को, और यहाँ की जनता को बतलाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रांत की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। 1 बजे के बाद दोपहर में उनका भोजन झरिया में ही होगा और फिर यहाँ से धनबाद विधानसभा के संकल्प यात्रा में वे शामिल होने के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। इस कार्यक्रम के लिए जिला में पहले बैठक किया गया, फिर जिला के बाद झरिया विधानसभा के सभी 5 मंडलों में यहाँ पर उपस्थित हैं प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, जिला के पदाधिकारीगण और इस विधानसभा के सभी 5 मंडल अध्यक्ष गण। सभी मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में सभी मंडलों में बैठक आयोजित किए गए और बैठक आयोजित करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में झरिया के कार्यकर्ता, झरिया के संभ्रांत नागरिकगण संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि एक विराट विषय लेकर के निकले हैं उन्हें अपना नैतिक समर्थन प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो तैयारियां हुई हैं मैं आदरणीय रागिनी जी से आग्रह करूंगी कि इस विषय में झरिया हो, धनबाद हो, निरसा हो, सभी बहुत ही बेहतर तरीके से लोग तैयारी में, सभी नेतागण, सभी हमारे जिला के सभी नेतागण लगे हुए हैं दिन रात। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सभी यहाँ के नेतागण हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों से तैयारी में लगे, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे होर्डिंग के बात कहें तो कार्यकर्ताओं के बीच जाकर नुक्कड़ सभा करें तो प्रचार के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से, हर रूप में लोग ग्राउंड में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि प्रचार गाड़ी भी घूम रही है दिन रात, लोगों को संबोधन में बता रहे हैं और हर तरह के विषय पे चर्चा हो रही है। और जिस तरह से हमारे आरएसपी मैदान में एक भव्य तरीके से वहाँ ग्राउंड में व्यवस्था की जा रही है कार्यकर्ताओं के लिए, नेतागण के लिए, मंच से लेकर बहुत बेहतर तरीके से तैयारी भी चल रहा है हर विधानसभा में, चाहे होर्डिंग के बात कहे तो या संबोधन जहाँ मंच है वहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से पंडाल से लेकर, पार्किंग से लेकर, हर रूपरेखा हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्तागण अलग अलग पार्ट में काम कर रहे हैं। सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है, जो अपने अपने जिम्मेवारी में आज सभी लोग व्यस्त हैं और झरिया विधानसभा में जिस तरह से सभी लोग लगे हैं पूरे मन से, आप सबको दिख भी रहा होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग लगे हुए हैं एक झरिया विधानसभा में, जिसे कि सभी के अंदर इच्छा है और शौक है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झरिया विधानसभा में कोलांचल के धरती पर उनके स्वागत होगी और झरिया के धरती पर स्वागत होगी तो बहुत ही भव्य तरीके से होगी और बहुत ही भारी संख्या में, 10 से 20 हज़ार के संख्या में कल उस दिन उपस्थित हुए। आज झरिया विधानसभा हमारे सम्मानित अध्यक्ष
यहाँ उपस्थित है, जिला के सभी हमारे नेतागण उपस्थित हैं, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, बहुत ही विस्तार से अपने बातों को रख चुके हैं और लगभग बात आप समझ भी चुके हैं। काफ़ी दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे आदरणीय बाबूलाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार झरिया विधानसभा में उनका आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर हजारों युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेतागण सभी क्षेत्रों में लोग लग चुके हैं अपने अपने विधानसभा में। झरिया विधानसभा में हमारे नेतृत्व में एक विशाल जनसभा होगी और उनको भव्य तरीके से भाजपा की ओर से स्वागत की जाएगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ के जो अभी सरकार जो बनी है ये भ्रष्ट सरकार, और साथ ही साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने के रूप में उनका एक इच्छा था कि हम हर विधानसभा में खुद स्वयं जाएं और कार्यकर्ताओं से सामना और रूबरू हम फेस करें, सबका समस्या जानें, अपना संबोधन में अपना विचार रखें और लोगों का विचार भी जाने। तो ये उनके लिए और हमारे लिए बहुत गर्व का बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनने के रूप में सभी विधानसभा में वो खुद जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खुशी का लहर है और साथ ही साथ संकल्प यात्रा नाम है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम पब्लिक, आम जनता जो इस सरकार से उब चुकी है, आप देखे हैं कि किस तरह से ये सरकार में कहीं कोई रूप में विकास के नाम पर अगर पूछिए तो बिल्कुल जीरो है। विकास कोसों दूर है और अपराध अनेकों है जो गिने नहीं गिनाए सकते, जिसको लेकर इस भ्रष्ट सरकार को हम लोग उस दिन